सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का वीडियो होगा आंसर ड्राफ्टिंग, मतलब एक आंसर को कैसे हम लोग परफेक्टली ड्राफ्ट करें, यह है इस वीडियो का मकसद। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको कि कोई भी आंसर पेपर हम लोग लिख रहे हैं, एग्जामिनर जो बंदा पेपर चेक करता है उसको तो हमारा नाम भी नहीं पता रहता है, कुछ नहीं पता रहता है, तो उसको पता नहीं कि हम कौन है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा एक क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। ओके, कैसे आइडेंटिफाई करता है बंदा बताओ, ये वो आइडेंटिफाई करता है आपका पेपर देख के। पहले झलक में जैसे प्यार होता है, वैसे ही पहले झलक में ही आपका एग्जामिनर जो है समझ जाता है कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो। तो अगर सुनो, अगर आपका आंसर, मतलब आप बहुत विद्यावान हो लेकिन आपको लिखना नहीं आता प्रॉपरली, आपको आंसर ड्राफ्ट करना ही नहीं आता, तो आप जितना भी कैपेबल हो जाओ एग्जामिनर आपको 2 मार्क से ज़्यादा मार्क नहीं देगा। ये सत्य बात है, ये बहुत सत्य बात है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा कि हाउ डू यू राइट अ परफेक्ट आंसर। और मेरे जो पास्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी स्टूडेंट है, उनका पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने कैसे मार्क्स स्कोर किया एंड देन हाउ डू दे गेट इट। अच्छा, आंसर राइटिंग हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते, 3 कैटेगरी हम लोग कर सकते। पहला कैटेगरी है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए कंसिस्ट ऑफ GIGL, EBCL एंड SLCM। ठीक है, ये क्यों मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरी बी में है कंपनी लॉ, SBC एंड कैटेगरी सी में है आपके सारे प्रैक्टिकल पेपर्स। तो कैटेगरी सी तो हम लोग यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको सिर्फ टिक की करना होगा। जय माता दी, लेट्स रॉक। ठीक है, ये करना होगा। लेकिन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी में थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरी बी, जो कि है कंपनी लॉ एंड SBEC। ये दोनों पेपर, इन तीनों पेपर से अलग क्यों है, पहले मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसका पेपर राइटिंग, आंसर राइटिंग पैटर्न और इसका आंसर राइटिंग पैटर्न एकदम अलग होगा, सेम नहीं है। ठीक है, एकदम अलग होगा, थोड़ा टफ है ये वाला। मैं फिर से बता दूँ, जब आप कंपनी लॉ का एग्जामिनेशन दे के आओगे आपको लगेगा कंपनी लॉ तो भैया बहुत ईजी है, कंपनी लॉ आपने दे के आ गए। जब SBEC लिखने जाओगे तब आपको लगेगा भाई मेरे मैं SBEC लिख रहा हूँ या फिर मैं कंपनी लॉ लिख रहा हूँ, आपको डाउट लगेगा, क्योंकि 80% ऑफ द पेपर विल बी एज एग्जैक्टली एज कंपनी लॉ, केस स्टडी से भरा हुआ। एंड SBEC का आपका थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि SBEC थोड़ा टफ पूछे जाते हैं बाई द एग्जामिनर। ठीक है, कंपनी लॉ से ज़्यादा टफ पूछा जाता है SBEC में। टफ नहीं मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ देंगे आपको। तो इन दोनों में आंसर राइटिंग पैटर्न थोड़ा अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडीज देखने को मिल जाता है। ठीक है, केस स्टडी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी बी में कंपनी लॉ एंड SBEC, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है केस स्टडी, एक केस स्टडी फॉर्मेट में पूछा जाएगा, सबको पता है। दूसरा है कमेंट फॉर्मेट में, कि भैया ये ऐसे प्रोविजन मैंने दे दिया, ऐसा ऐसा बात है, आप कमेंट करो आपको क्या करना है। फिर डायरेक्ट प्रोविजन भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत रेयर है लेकिन पूछा जा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से पहला कैटेगरी है केस स्टडी वाले कैटेगरी। केस स्टडी वाले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में कैसे अपने को लिखना है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। सुनो, हमेशा याद रखना, केस स्टडी जब भी तुम स्टार्ट करोगे तो तुम 3 या 4 भाग में उस आंसर को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 90% ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी केस स्टडी बेस्ड, बाकी 10-20% जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 भाग में डिवाइड कर दोगे एक पर्टिकुलर आंसर को। पहला जो आप लिखने वाले हो रिलेटेड प्रोविजन, दूसरा फैक्ट एंड एनालिसिस, तीसरा बन जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी केस स्टडी दिया है उसमें सबसे पहले आप उसका प्रोविजन लिख डालोगे, एक पैराग्राफ में लिख डाले, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे फैक्ट एंड एनालिसिस, तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन। या फिर आप 4 भाग में भी डिवाइड कर सकते हो इसको, पहले लिख सकते हो सेक्शन, अब सेक्शन में सिर्फ सेक्शन कोट करके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सेक्शन लिख दो, सेक्शन नंबर लिख दो, सेक्शन नंबर का सब सेक्शन भी याद है तो वो भी लिख दो, फिर रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे लिखो, फिर फैक्ट एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। रिलेटेड प्रोविजन का मतलब होता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है पेपर में, ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिलेटेड प्रोविजन में आपको पूरा कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उस सेक्शन में वो पूरा छाप डालना होता है, एक्सेस नहीं डालना है। आपको कभी कभार दिखेगा कि एक प्रोविजन में बहुत सारे, एक सेक्शन में बहुत सारे प्रोविजन्स हैं,
सारे प्रोविजंस को हिट करके क्वेश्चन पूछा नहीं गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोविजन को हिट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरा सेक्शन मत लिख डालना, सिर्फ उस प्रोविजन को लिखना है जितना पूछा गया है, टाइम वेस्ट मत करना। पूरा सेक्शन लिख डाले और आप सोच रहे हो कि एग्जामिनर सोचेगा बहुत ब्रिलियंट हो, ऐसा नहीं, एग्जामिनर सोचेगा तुम उल्लू का पट्टा हो, क्योंकि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया है। ठीक है, जितना पूछा गया है उतना प्रोविजन लिखो एंड आंसर लिखो, कंक्लूजन लिखो, आगे बढ़ो। क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर ऐसा होता है कि 80% पेपर मतलब जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा होता है ना, वो भी 80-85% ही अटेम्प्ट कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ का कमी रहता है, वो है एक्यूरेसी, स्पीड, कितने टाइम में कितना लिखना है, क्या लिखना है, उसका कमी, जो कि ये मॉक टेस्ट आपका पूरा कर देगा, जो हम लोग कंडक्ट करने वाले 1 तारीख से शुरू होने वाला है। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ चुका है। रिलेटेड प्रोविजन, फैक्ट एंड एनालिसिस क्या करोगे? फैक्ट एंड एनालिसिस का मतलब होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका फैक्ट बताओ, कि क्या फैक्ट है इस क्वेश्चन में और आपने क्या एनालिसिस किया है इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, उसका फैक्ट एनालिसिस। कंपनी लॉ का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कंपनी लॉ का डीपली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो एक बार चेक कर ले आप लोग। मैं इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये चीज़। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कंक्लूजन में सिर्फ आपको ये लिखना है कि आपको क्या लगता है इस प्रोविजन को लेकर, ये क्या होना चाहिए आंसर, वो आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन 2-3-4 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन 1 लाइन का भी हो सकता है कंक्लूजन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। या तो 3 पोर्शन में या तो 4 पोर्शन में। इसको किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे, देखो 3 पोर्शन में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अगर मैंने 96 लिया फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस प्रकार से मैं लिखूंगा, स्टार्ट करूंगा लिखना रिलेटेड प्रोविजन में। अगर मेरे को सेक्शन नंबर याद है तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96। अगर मेरे को सेक्शन नंबर याद ही नहीं है तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, तब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये कंपनी लॉ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने बता रखा है, आप कृपया करके वो वीडियो जरूर देख ले एक बार। ठीक है, फैक्ट एंड एनालिसिस इस प्रकार से होगा। अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे लिखना है कंपनी लॉ एंड SBEC के आंसर्स। ये जो कमेंट होगा, कमेंट आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमेंट में आप 2-3 पैराग्राफ में लिख सकते हो, इस प्रकार से डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट में आप प्रोविजन लिख सकते हो और आपका जो कंक्लूजन है ये लिख सकते हो कमेंट में, जितने भी कमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें। समझ में आ रहा है? हाँ जी, वो आप लिख सकते हो, या तो 1 पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो, या तो 2 पैराग्राफ में भी आप कंक्लूड कर सकते हो आपके आंसर को। ये है कमेंट वाला। डायरेक्ट प्रोविजंस भी सेम है, नॉर्मल आंसर जैसे लिखते हो उसी प्रकार से लिखोगे। सिर्फ 90% ऑफ द पेपर विल बी अराउंड केस स्टडीज एंड केस स्टडी, इस प्रकार से आपको ड्राफ्ट करना होगा, इस प्रकार से लिखना होगा आपका आंसर्स। ठीक है, ये समझ में आ चुका है कंपनी लॉ एंड SBEC। SBEC में भी इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ चुका है सर कि कंपनी लॉ SBEC में इस प्रकार से लिख डालेंगे। एक बात बताइए सर, सेक्शन नंबर अगर याद ना हो तो क्या करें? सेक्शन नंबर याद ना हो तो आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जितना हो सके आप पेपर के स्टार्टिंग में जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सब डिविजन्स हैं, तो 1 से लेकर 6 इस प्रकार से आप प्रोसीड करना। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से प्रोसीड करना, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आप जाना, कोशिश करना। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि एग्जामिनर को लगेगा आपको सब कुछ आता है। आपको सब कुछ अगर आता है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का चांसेस है। ठीक है, समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात? एक्स्ट्रा मार्क्स लगभग 15 से 18 मार्क्स तक मिल जाता है एक्स्ट्रा मार्क्स, ऐसे मैंने खुद के आँखों से देखा है ये मिलते हुए। ठीक है, हाँ जी, तो ये चीज़ जो है ये बहुत सत्य बात है एंड ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अच्छा ये हो चुका है कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ एंड SBEC। GIGL, EBCL एंड SLCM में क्या करें सर, ये बताइए। GIGL, EBCL, अच्छा पेपर जैसे लिखोगे ना, अच्छा ये तो मैंने भूल ही गया, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पेपर आपको पूरा पेपर मिलेगा, इसमें आपको इस प्रकार से 3 लाइन बनाना है। ये लाइन जो है ये ऑलरेडी बना रहता है पेपर में आपको, और ये लाइन भी बना रहता है पेपर में। ठीक है, अगर ना बना रहा है एक बार देख लो, ये ऐसे करके एक लाइन दोगे, ये ऐसे करके एक लाइन दोगे और ये ऐसे करके एक लाइन दोगे। ठीक है, पेपर जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए, इतना ही पेपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा पेपर होना चाहिए और ऐसे लाइन होना चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो आपके रिलेटेड प्रोविजन, फैक्ट एंड एनालिसिस, कंक्लूजन। ठीक है,
एंड यहाँ पे आप ड्राफ्ट कर सकते हो जो भी आपको लिखना है। इस प्रकार से प्रेजेंटेशन बनाओ, माँ कसम एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि पकड़ लो यही पेपर है और इस पेपर को कैसे लिखना है, ऐसे करके एक लाइन खींच दी, ऐसे करके एक लाइन खींच दी, अब बीच में लिखो अच्छे से, यहाँ पे रिलेटेड प्रोविजन लिख डालो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, फिर फैक्ट एंड एनालिसिस लिखो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो, फिर कंक्लूजन लिखो, कंटिन्यू करो। ये इस वाले लाइन की ज़रूरत नहीं है अगर इस प्रकार से आप लिख रहे हो तो। ये दो ऑप्शंस हैं, मैं प्रीफर करूँगा ये वाला। ये अगर आप लिख रहे हो इस प्रकार से, अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ चुका है। एक पेज में एक ही आंसर। अच्छा मैं बता दूँ, जो मॉक टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं ना उसमें इसी प्रकार से लिखना है, वरना मैं पेपर नहीं चेक करने वाला, सच्ची में बता रहा हूँ मैं। मतलब मन आपके खुद के हिसाब से आप लिख के भेज दो, मैं नहीं चेक करने वाला पेपर, सच्ची में बता रहा हूँ मैं। प्रॉपर आंसर रहेगा फिर मैं चेक करूँगा, वरना चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक आंसर एक पेज में आपको लिखना होगा, अंडरलाइन करना होगा सारे की पॉइंट्स को। की पॉइंट्स जैसे कि, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया सेक्शन नंबर को, इसको ये की पॉइंट है आंसर का, तो ये आपको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। की वर्ड्स को अंडरलाइन करना हमेशा, इस प्रकार से आपको अंडरलाइन करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का याद रखना भाई मुझे, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी ए के बारे में अगर मैं बात करूँ तो JIGL, EBCL, SLCM, ट्रस्ट मी गाइस, ये तीन एक लौते पेपर है, ऐसे पेपर है जिसमें आपको एग्जैक्टली जो मटेरियल में लिखा है वो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो JIGL, EBCL, SLCM, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए, अपना ही लैंग्वेज में लिखो आप। डिट्टो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 60 मार्क्स से भी ज़्यादा मिल जाएगा, पक्का प्रॉमिस। लेकिन कंपनी लॉ SBC ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत जैसे भी आपके मटेरियल में है उस प्रकार से आपको लिखना होगा, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इस बात, ये सत्य बात है और ये एक्सेप्ट कर लो। एक पेपर मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारे स्टूडेंट नेहा प्रजापति, इनको 79 मिला है JIGL में, ठीक है। अब इन्होंने 79 सिक्योर किया कैसे, वो एक बार देख लेते हैं, उनका पेपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या उनका हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है? मेरे हिसाब से हाँ जी, यस, हैंडराइटिंग तो बहुत बढ़िया है, हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया सर। क्या उन्होंने अंडरलाइन किया की पॉइंट्स को? हाँ जी सर, उन्होंने ना अंडरलाइन किया सर की पॉइंट्स को, मेरे को दिख रहा है सर, अंडरलाइन किया उन्होंने की पॉइंट्स को, ठीक है। क्या उन्होंने पॉइंट के हिसाब से आंसर्स को ड्राफ्ट किया है? हाँ जी सर, उन्होंने ना पॉइंट के हिसाब से आंसर लिखा है। हर एक आंसर अगर हम लोग देखें तो उन्होंने पॉइंट सिस्टम में आंसर्स ड्राफ्ट किए गए हैं। देखो, उन्होंने पॉइंट सिस्टम में हर एक आंसर को उन्होंने कोशिश किया कि उन्होंने पॉइंट के हिसाब से वो लोग लिखे, ठीक है। देखो, हर एक आंसर उन्होंने पॉइंट बेसिस पे लिखा है, तब जाके उनको 79 मिला है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ सर, अंडरलाइन भी किया है, हैंडराइटिंग भी बवाल है, पॉइंट के हिसाब से लिखा है। और सर, पेपर प्रेजेंटेशन देखो तो भाई मेरे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने, यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने, हर पेपर में यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, देख रहे हो, ये है पेपर प्रेजेंटेशन। ये जो लाइन का प्रेजेंटेशन है, ये सब पेपर में आपको करना है। सिर्फ कंपनी लॉ जब लिखोगे तब यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वो सारा लिखना होता है, प्रोविजन रिलेटेड प्रोविजन वगैरह वगैरह उसमें लिखना होता है, तो वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, बाकी ऐसे प्रेजेंटेशन रखना। तो इस प्रकार से देखो उन्होंने किस प्रकार से ड्राफ्ट किया आंसर्स को, देखो बहुत बड़ा लिख डाला उन्होंने आंसर्स, सर बहुत बड़ा लिख डाला उन्होंने आंसर्स, देखो ना, 1 2 3 4 5 पाँच पॉइंट लिखा है, 4 मार्क मिल गया उनको, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट लिखा है उन्होंने, 4 मार्क मिल गया उनको, सर ये तो सर शी इज़ वेरी लकी। लकी वकी कुछ नहीं होता भाई मेरे, उन्होंने पूरा टू द पॉइंट लिखा है। तो क्वांटिटी में विश्वास मत रखना भाई मेरे, क्वांटिटी में विश्वास मत रखना, क्वालिटी में विश्वास रखना है। जो भी आप लिख रहे हो बहुत ही सटीक होना चाहिए, अगर सटीक लिख रहे हो तब आपको मार्क्स मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं सर मैंने 2 पेज का आंसर लिखा फिर भी आपने 1 मार्क दिया है। भैया तेरे 2 पेज के आंसर से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो क्वेश्चन में पूछा गया क्या तेरा आंसर वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वही एग्जामिनर का चाहत है। तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो इस प्रकार से करना है, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो बहुत सारे मिथ जो थे, जैसे कि मेरे को बहुत लंबा लंबा, उन्होंने एक ही आंसर लिखा एक पेज में, एक आंसर,
चार चार करके मार्क मिल रहा है, एक पेज में एक ही आंसर है, चार चार करके मार्क मिल रहा है भाई मेरे। क्या उन्होंने क्वांटिटी में ध्यान दिया या फिर क्वालिटी में ध्यान दिया? उन्होंने क्वालिटी में ध्यान दिया है, ना कि क्वांटिटी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको यही बताना था कि JIGL में आपको किस बात का ध्यान रखना है। पहली बात, JIGL, EBCL एंड SLCM, कंपनी लॉ वगैरह ये सब भी। पहला बात है क्वालिटी पे फोकस करो, सबसे पहली बात। दूसरा, प्रेजेंटेशन रिमार्केबल बनाओ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो। बीच में साइड में दो लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, अंडरलाइन करो की पॉइंट्स को, चौथा अंडरलाइन करो की पॉइंट्स को, क्वालिटी मेंटेन करो, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, अंडरलाइन करो की पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स में आंसर लिखो, तब जाके आपको बवाल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, JIGL, EBCL, SLCM ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा मैंने आपको बता दिया है कि JIGL, EBCL, SLCM सबका प्रेजेंटेशन आप इसी प्रकार से रखना है जिस प्रकार से नेहा ने रखा है JIGL में। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आंसर राइटिंग इसी प्रकार से करना होगा आपको, ठीक है। और सुनो, कंपनी लॉ एंड SBC जो है ये आपको इस प्रकार से करना होगा जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल है सर। सर मेरा हैंडराइटिंग बहुत बकवास है, मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ? सर नेहा मैम ने तो बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, उनका हैंडराइटिंग अच्छा है, तो हम लोग अपना हैंडराइटिंग कैसे अच्छा करें? देखो, सुनो, मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ फटाफट। एक सेकंड। हाँ, अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है ना, तो हमेशा ट्राई करना आप हैंडराइटिंग जो है ऐसे कर्सिव में ना लिखो, आप ट्राई करना सीधा लिखने के लिए, और एक के साथ एक जुड़ के, ऐसा नहीं, आपको ऐसा लिखना है। देखो, माय नेम इज सैम, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। वर्ड्स के बीच में गैप रखो, प्रॉपर गैप रखो वर्ड्स के बीच में, ऐसा नहीं लिखना है माय नेम इज सैम, ये प्रॉपर गैपिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रॉपर गैप मेंटेन करो, माय नेम इज सैम, ठीक है, समझ में आ चुका है? हाँ जी। अब इसी चीज को अगर आप लिख रहे हो कर्सिव में, माय नेम इज सैम, तो अगर आपका हैंडराइटिंग सही है तो आप लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हैंडराइटिंग सही नहीं है तो इस प्रकार से लिखो। मैं तो हैंडराइटिंग सही है तब भी यही प्रेफर करता हूँ। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये जितना भी ब्यूटीफुल हो जाए दिखने में, जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना तो ये फटाफट पढ़ पाएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है। ये फटाफट देखो, माय नेम इज सैम, और यहाँ सैम, यहाँ पर देखने को लग रहा है कि अच्छा ये क्या लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है भाई मेरे, माय नेम इज सैम। अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया, अगर आप लिख पा रहे हो सही से। लेकिन अगर आपका हैंडराइटिंग सही नहीं है तो इस प्रकार से ट्राई मत करना कभी भी, ठीक है। सीधा सीधा लिखना, आपका हैंडराइटिंग सही लगेगा, समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हैंडराइटिंग के ऊपर भी मैंने बता दिया है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कल से मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है। आई वुड विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कोई भी दिक्कत हो तो भाई तुम्हारा जिंदा है, कोई टेंशन नहीं लेना, एग्जामिनर पास करके ही निकालेंगे, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेक केयर एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।